हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। माय डियर ऑल स्टूडेंट, फिर से स्टडी मटेरियल फाउंडेशन एंड न्यूरोलॉजी लूसो ग्रिड के ऊपर। अभी तक 11 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, ये 12वां वीडियो है, 12th वीडियो है ना। अब है कि ये वीडियो मिसिंग नंबर 7 नंबर पे है, कि प्रेजेंट रहे अगर नंबर 7 और मिसिंग रहे तो क्या क्या हो सकता है। ये सब फैक्टर है, 8 फैक्टर से इसमें हायर एजुकेशन मिलेगा कि नहीं, एक्सेलेंट करियर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब, बिजनेस डायरेक्शन, एनी मेंटर्स, नाइनटी अदर फैक्टर्स, तो इसके बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट मिसिंग नंबर 7 का क्या महत्व होता है। लूसो ग्रिड का जो रेमेडीज है, रिपीटिंग नंबर का जो वैल्यू जो गूगल सर्च में दिया है, वो सब करेक्ट नहीं है। 50% सिर्फ करेक्ट है, 50% करेक्ट नहीं है। उसका बहुत सारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन होता है। जब आप किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान होता है, यूट्यूब पर वीडियो देखने से नहीं होता है, है ना। ये बात आप लोग का कितनी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियो है वो दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, जिसको बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के आप नहीं खा सकते, है ना। इस बात को जितना जल्दी समझ जाइए उतना अच्छा है। यूट्यूब पे वीडियो देख के कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, किताब पढ़ के आप बन सकते हो, इस बात को याद रखना है। चलिए बताते हैं कि 7 नंबर जो है परजेंट है, मिसिंग है, तो क्या होगा। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स को बता दीजिए कि ऑनलाइन न्यूरोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले, घर बैठे लाखों रुपये मान सम्मान के साथ कमाएं, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, रिटायर्ड पर्सन हो और रिस्टार्ट अपना करियर करना चाहते हो, और नहीं तो पेड न्यूरोलॉजी कंसल्टेंसी करवा ले और अपने भाग्य को चमकाए, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। और न्यूरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जैसा कि आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्सिट्यूट नहीं है। चाय या कॉफ़ी नहीं है कि चाय मिल गई तो कॉफ़ी नहीं चाहिए, कॉफ़ी मिल गई तो चाय नहीं चाहिए। ये कार है पेट्रोल की तरह है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकते, इंक के बिना पेन नहीं चल सकता। उसी तरह से न्यूरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, दोनों कराना चाहिए। उससे ये पता चलता है एस्ट्रोलॉजी इसलिए करानी चाहिए कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई नंबर न्यूज़पेपर में प्रेजेंट भी है, उसके बाद भी वो बलवान है कि नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट होने पर जो आपकी क्वालिटी उसमें है, मतलब जो आपको फायदा देगा, बलवान होने के बाद जो फायदा देगा, दोनों में बहुत फर्क है। इस बात को जितना जल्दी समझोगे, क्योंकि कारक है, मारक है, ऊंच का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रेजेंट होने से नहीं होता है, बलवान होने से होता है। बलवान होगा तब उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा, और खाली प्रेजेंट रहेगा तो उसका बेनिफिट आपको 50% रहेगा। अब मिसिंग हो गया तो 0% बेनिफिट। फिर दूसरे नंबर की मदद से अगर वो पावरफुल नंबर हुआ और नेम आपका करेक्ट नंबर पर, कंपाउंड नंबर पर, तब उसका बेनिफिट मिलता है। चलिए नहीं बेटा, नंबर 7 प्रेजेंट अगर रहा तो हायर एजुकेशन, यस हायर एजुकेशन, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, यूजी पीजी आप कर लोगे, यूजी पीजी कर लोगे, 100% कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएट तक चले जाओगे, पीएचडी नहीं कर पाओगे। मिसिंग हो गया तो पीजी भी नहीं कर पाओगे, यूजी तक जा पाओगे, है ना, सिर्फ यूजी तक पहुंच पाओगे। और फिर दूसरे नंबर की मदद से है ना, हो सकता है कि आप पीजी कर पाएँ, है ना। पीएचडी करना बहुत मुश्किल है, हाँ पीएचडी तभी होगा अगर 7 नंबर के साथ, अगर 2 नंबर ड्राइवर हो जाए या 1 नंबर आपका कंडक्टर हो जाए, 7 नंबर आपका कंडक्टर नंबर के रूप में रहे, 3 ड्राइवर, 2 ड्राइवर है ना, और 1 ड्राइवर हो, 7 नंबर कंडक्टर हो, तो पीएचडी करने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है एब्सेंट होने के बाद भी। और एक्सीलेंट करियर में, इन एक्सीलेंट करियर का मतलब हमारे देश में होता है सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर, क्योंकि माँ बाप का सबसे पहला चॉइस होता है। आज भी, आज से जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे लगता है 50 साल से ऊपर हो गया है ना, सबके मुँह में सुनते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा कि नहीं डॉक्टर बनेगा, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं लोगों का, जबकि उससे बेस्ट बेस्ट, उससे बढ़िया बढ़िया करियर ऑप्शन है। बट एनीवे, यस 7 नंबर आपको इंजीनियर डॉक्टर दोनों बनाएगा, 100% बनाएगा, अगर 7 नंबर आपका कंडक्टर नंबर के रूप में रहा। और अगर मिसिंग हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर दूसरे नंबर की मदद से आपको 30-50% सफलता मिलने की चांसेस है। वेरी सिंपल, इसमें भी 30-50%, ठीक है। दूसरा नंबर की मदद से, जो कि आप लोगों को मालूम है कि और भी जो ड्राइवर आप लोग को हमने पढ़ाया है, जो है ना लकी ड्राइवर, लकी कंडक्टर नंबर, उसको खाली याद रखना है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब, यस अगर आप CID, CBI, IB, RAW इस सब में जाएंगे, 7 नंबर वाले के पास जो दिमाग होता है वो ज़बरदस्त होता है, वो जासूसी दिमाग होता है, डिटेक्टिव वाला दिमाग होता है, स्पाई वाला दिमाग होता है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा अगर कंडक्टर नंबर के रूप में रहा, ड्राइवर नंबर के रूप में रहेगा तब नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर कंडक्टर नंबर के रूप में रहना चाहिए, ड्राइवर नंबर के रूप में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सब नंबर है तो सुपर डुपर नंबर है, 4 नंबर भी रहेगा तब भी मिलेगा, 6 नंबर रहा तब भी मिलेगा, 8 नंबर रहा ड्राइवर में तब भी मिलेगा, है ना। 7 नंबर कंडक्टर के रूप में रहना चाहिए। मिसिंग हो गया तो फिर गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर दूसरे नंबर की मदद से जो फेवरेबल नंबर था, फेवरेबल कंपाउंड नंबर पर अगर नाम होगा तब 30-50% मिलने की संभावना है। 7 नंबर वाला बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकता है, यस स्पिरिचुअल गुरु बन सकता है, पुजारी बन सकता है, पंडित बन सकता है ना, बहुत अच्छा टीचर बनता है, ट्रेनर बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइकेट्रिस्ट बनता है
ना साइकोलॉजिस्ट बनता है 7 नंबर वाला, क्योंकि इंट्यूटिव होता है, बहुत ट्रूथ सीकर होता है, स्पिरिचुअल होता है। जो 7 नंबर प्रेजेंट रहता है तो गॉड के प्रति बिलीव बहुत ज़्यादा होता है। 3 नंबर 7 नंबर प्रेजेंट रहने से वो गॉड की तरफ बहुत ज़्यादा झुका रहता है। और मिसिंग हो गया तो बिजनेस फिर मुश्किल है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे नंबर की मदद से और नाम फिर फेवरेबल होना चाहिए कंपाउंड नंबर पर, तब जाके फिर 30-50% बिजनेस करने में सक्षम होंगे। मतलब चॉइस वाला बिजनेस, बाय चांस वाला तो कुछ भी करिए, है ना। हर 5 साल पे फिर बिजनेस चेंज होता चला जाएगा। डायरेक्शन वेस्ट, वेस्ट मतलब वेस्ट इंडिया है ना, तो आपको 100% सफलता मिलेगा। वेस्ट इंडिया मतलब 3 स्टेट है वेस्ट इंडिया में, है ना, पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पांजी। पांजी मतलब गोवा है ना, मतलब गोवा, सॉरी पांजी नहीं, वो तुमको पांजी तो उसका ये है, गोवा का कैपिटल है पांजी, है ना, गोवा। 3 स्टेट है, 100% हो गया। मिसिंग हो गया तो वेस्ट इंडिया में फिर मिलेगा, मान लीजिए कर रहे हैं वहाँ पे आप, तो रुक रुक के सब काम होता होगा, फ्रिक्वेंट जॉब चेंजेस होता होगा, प्लेस चेंजेस होता होगा, पैसा कौड़ी का बड़ा दिक्कत हो जाता होगा, तो बहुत सब बाधाएं ऑब्स्टिकल डिफिकल्टी के साथ साथ आप दूसरे नंबर की मदद से कर पाओगे, है ना। एलिमेंट मेटल, मेटल का मतलब धातु, धातु का मतलब सोना चांदी हीरा मोती, है ना, कॉपर जिंक जितना भी है उससे रिलेटेड बिजनेस करो, जॉब करो, सब में सफलता मिलेगा। 100% सफलता मिलेगा। भैया मिसिंग हो गया तो बहुत दिक्कत है, नो। फिर दूसरे नंबर की मदद से 30-50% सफलता मिलने की संभावना है, दिस इज द थिंग, है ना। उसका पर्सनैलिटी, 7 नंबर का पर्सनैलिटी आपको जान के हैरानी होगी, प्राइम मिनिस्टर वाली पर्सनैलिटी होती है। जी हाँ, वो रॉयल लाइफ लीड करना चाहता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल का लाइफ लीड करना चाहता है, और मन है इतना चंचल, इतना इमोशनल, इतना ओवर सेंसिटिव, है ना। केतुदेव का क्या है, बॉडी खाली है, सर तो है नहीं, तो क्या है, जिस नंबर के साथ जाता है उसी नंबर के साथ मिक्स हो जाता है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, जो कि संभव नहीं है। बहुत ही मूडी होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, ट्रूथ सीकर होता है, आउट स्पोकन होता है, एक्स्ट्रोवर्ट होता है ना। और जो फिल्म मेकर सब है, स्पेशली जो फिल्म बनाने प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है, अगर 7 नंबर वाले जो होते हैं मैक्सिमम देखेंगे, बहुत क्रिएटिव होता है, हाईली क्रिएटिव पीपल 7 नंबर वाला सब, है ना। आउट ऑफ बॉक्स थिंकर, आउट स्पोकन, ये सब क्वालिटी 7 नंबर के अंदर है। इसका आप कह सकते हैं कि यस, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, ढेर सारा पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, 100% है। अब इसका उल्टा भी है, अगर 7 नंबर मिसिंग हो गया तो आपको उल्टा खोपड़ी वाला बन जाएगा वो एकदम, फिर वो बहुत तंग करेगा आपका, एक मोड़ी है, स्विंग है, छने रुष्टा छने त्रुष्टा, क्षण भर में खुश हो जाएगा, क्षण भर में रुष्ट हो जाएगा, आपसे दुखी हो जाएगा, है ना। ये क्वालिटी उसके अंदर है, तब दिक्कत होती है। दूसरे नंबर की मदद से 30-50% आपको सफलता मिलने की संभावना है, इस बात को ध्यान रखना है। और अदर फैक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे 7 नंबर का, अगर 7 नंबर प्रेजेंट है तो आपको मेल चाइल्ड होने की संभावना है अदर फैक्टर में, और अगर ये मिसिंग हो गया तो पहला फीमेल चाइल्ड होगा आपको, है ना। और अगर मिसिंग रहा तो नेचुरली रेयरली मेल चाइल्ड होता है, फिर उसके वाइफ हस्बैंड में किसी एक के पास होना चाहिए, तो मेल चाइल्ड हो गया सबसे पहला कंसिडरेशन हो गया। अदर फैक्टर्स में आता है कि गॉड और गुरु के प्रति अगर प्रेजेंट रहा तो आपकी आस्था बहुत ज़बरदस्त होगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आपकी आस्था बहुत ज़बरदस्त होगी, तो गॉड एंड गुरु दोनों की तरफ, है ना, आपका झुकाव होगा। मिसिंग हो गया, अब्सेंट हो जाएगा, सेम टू सेम अब्सेंस ऑफ झुकाव गॉड और गुरु दोनों, है ना, गॉड और गुरु की तरफ आपका आस्था जो है, जो उसके उनके प्रति जो रेस्पेक्ट है वो सब आप उतना ज़्यादा मंदिर उंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च उर्च नहीं जाएंगे फिर, है ना, जो भी जिस धर्म में है उस हिसाब से, तो गॉड और गुरु के प्रति आस्था कम हो जाएगा 7 नंबर का। और 7 नंबर वाले के साथ क्या है कि अगर 7 नंबर मिसिंग हो जाता है तो, चूँकि केतुदेव का नंबर है, है ना, और स्पेशली जब आप काम मंडे को करोगे, केतुदेव का लकी डे मंडे होता है, तो उस दिन काम करोगे तो आपको सफलता मिलने की थोड़ी संभावना होती है। और अगर मिसिंग हो गया तो अगर मंडे को गलती से भी काम कर दिया तो 100% लॉस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो ये सब अदर फैक्टर्स में ना केतुदेव का आता है। 7 नंबर वाला बहुत इंट्यूटिव होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है, जितना भी CID, CBI, IB रॉ वाले जितने भी हैं 7 नंबर वाले, वो सब ब्रिलियंट ऑफिसर, हमारे सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर जो भी काम करते हैं सब ब्रिलियंट हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं पॉलिटिशियन की वजह से, इसलिए वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे देश का जो भी हैं, है ना, हमारे एजेंट जो हैं वो एकदम बंद गए हैं, जिसकी वजह से वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं ना। नहीं तो इतना इंटेलिजेंट ब्रिलियंट अफसर है कि एक भी क्रिमिनल पूरे वर्ल्ड में इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो लोग ऑन द स्पॉट उसको मार के ख़त्म कर सकते हैं, हमारे इतने इंटेलिजेंट ब्रिलियंट अफसर सब। बट एनीवे,
हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपल न्यूमरोलॉजी पे कंसंट्रेट करेंगे। बस खाली बताने के लिए बता दीजिए कि बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होते हैं, बहुत आउट स्पोकन एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, बहुत शार्प माइंड के होते हैं, बहुत इसको बोलते हैं ना क्रिएटिव आउट ब्रिलियंट, और उसके साथ साथ इमेजिनेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकर, क्रिटिकल थिंकर, इस तरह का दिमाग होता है 7 नंबर वालों का। जिस तरह से 2 नंबर का होता है उसी तरह से 7 नंबर, 4 नंबर का भी उसी तरह से होता है। 2, 4, 7, 8 वाले हाईली क्रिएटिव पीपल, इसलिए आप देखिएगा टीवी, फिल्म, मीडिया, जर्नलिज्म में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जहाँ भी है ना, सब जगह देखिएगा 2 साल वाले सारे क्रिएटिव पीपल आपको मिलेंगे, चाहे स्टार्स के रूप में, चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के रूप में, म्यूजिक कंपोजर लिरिसिस्ट के रूप में, है ना, इस तरह से देखिएगा तो आपको सारे टॉप लेवल के लोग मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ढेर सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वीडियो मिलता रहेगा। और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में जाते जाते बता दे आपको, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच, अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करिए अमीर बनने पे। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को बताइए कि न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले, या तो अपना पेड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी कराए, और अपने जीवन को सुखमय बनाए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है गॉड उसी की मदद करते हैं, तभी आप अमीर बनेंगे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगनिंग।